तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप यहां पे रेडमी नोट 8 के या पोको एम टू प्रो के या आप यहां पे पोको एम थ्री के रेडमी 9 पावर के यूज़र हैं, तो आज आपके लिए यहां पे एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के सामने आ चुकी है। तो हम यहां पे सबसे पहले रेडमी नोट 8 की बात करेंगे। तो आप अगर इस वाली न्यूज़ को सुनेंगे तो आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे, क्योंकि यहां पे एक बहुत ही ख़तरनाक सी न्यूज़ आ चुकी है रेडमी नोट 8 की, पोको एम टू प्रो की, Redmi 9 Power की और Poco M3 की। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं Redmi Note 8 की। तो आपको ये बात पता है कि अभी तक आपको Redmi Note 8 इंडिया में ना MIUI 12.5 मिला है और ना ही Android 11, लेकिन चाइना में आपको MIUI 12.5 और Android 11 का चाइना स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिल गया था, MIUI का 12.5.1.0 का। लेकिन आज यहाँ पे Redmi Note 8 के लिए एक न्यू अपडेट चाइना में रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है, MIUI का 12.5.2.0 का Android 11 पर बेस्ड RCOCNXM। तो मैं आपसे बस यही पूछना चाहता हूँ कि आपको आखिर क्या लगता है, क्या ये अपडेट एनहेंस का होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है? क्योंकि फ्रेंड्स, ये अपडेट जो आया है Redmi Note 8 के लिए चाइना में MIUI का 12.5.2.0 का, ये अपडेट हमें MIUI 12.5 का एनहेंस वर्जन का अपडेट देखने के लिए मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है Redmi Note 8 यूजर्स के लिए कि उनके लिए यहाँ पे MIUI 12.5 का एनहेंस वर्जन रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इंडिया में अभी तक ना ही MIUI 12.5 आया है और ना ही Android 11 आया है, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी इश्यूज बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। लेकिन फ्रेंड्स, Redmi Note 8 चाइना के लिए ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है कि यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे ये एनहेंस वर्जन रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है, और इसके साथ आपको इसमें फीचर्स में एक रैम एक्सटेंशन का फीचर मिल जाता है, जिससे आप अपनी 2GB स्टोरेज को कम करके अपनी 2GB रैम को बहुत ईजिली इंक्रीज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है Redmi Note 8 के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं Poco M2 Pro की। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे Poco M2 Pro के यूज़र हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि Redmi Note 9 Pro Max में हमें ऑफिशियली इंडिया स्टेबल का MIUI का 12.5.2.0 का स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है, और इस अपडेट का शायद हमें 791 MB का देखने के लिए मिल जाता है। तो अब हमें ये सेम अपडेट Poco M2 Pro में बहुत ही जल्द रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, MIUI 12.5 Android 11 पर बेस्ड। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि ये अपडेट कब तक हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये अपडेट हमें अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक M2 Pro में 100% देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं Redmi 9 Power और Poco M3 की। तो मैं आपको बता दूं कि Redmi 9 Power और Poco M3 से रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन Poco M3 से रिलेटेड यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है कि हमें Poco M3 में यूरोप स्टेबल में MIUI का 12.5 पर बेस्ड Android 11 के साथ एक यूरोप स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है Poco M3 के, लेकिन अभी तक Redmi 9 Power में इस अपडेट का कुछ भी अता पता देखने के लिए नहीं मिला है। तो आपको केवल कुछ दिन का वेट और करना है, फिर आपको Redmi 9 Power और Poco M3 में बहुत ही जल्द MIUI 12.5 और Android 11 रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि Redmi 9 Power में हमें डायरेक्टली एनहेंस वर्जन ही देखने के लिए मिल जाए। तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप मेरे YT चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरा YT चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।